यो व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे, मेरे साथ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है हवा जो बाड़ी। दिस इज कुशल स्वामी। आज हम लोग इस वाले व्लॉग को आप शायद वीडियो भी कह सकते हो, तो आज हम लोग व्लॉग शायद ही कंटिन्यू कर पाएंगे। डिस्कस करेंगे अबाउट बिग बॉस 15 के विनर के बारे में। तो देखते हैं, तो बिग बॉस 15 जो कि तेजस्वी प्रकाश जीत गई, हमारी तेजस्वी प्रकाश, क्यूट तेजस्वी प्रकाश भी कह सकते हो आप, तो तेजस्वी प्रकाश जीत गई है। गाइस द विनर ऑफ BB15 इज तेजस्वी प्रकाश। सो गाइस, उधर सलमान सन ने भी ट्रॉफी तेजस्वी के हाथ में भी दे दिया, पर प्रतीक ने काफ़ी कुछ किया था अपने ट्रॉफी को लेने के लिए। तो उसने काफ़ी मेहनत की थी तो ट्रॉफी को ले पाने में, तो पर वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हुए हैं। पर सारे फैंस के आधार पर और वोटिंग लाइंस के आधार पर सभी को लगता था कि वहाँ पे प्रतीक सेजपाल ही जीतेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन मुझे भी लगता था कि, जैसे कि आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने एंड में जाके आप सभी लोगों को बोला था कि मेरे अनुसार प्रतीक ही जीतेगा, पर ऐसा सब कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे जीत गई हमारी क्यूट सी तेजस्वी प्रकाश। पर कोई बात नहीं, अभी अगर मैं बात करूँ वोटिंग ट्रेंड्स की, वोटिंग पोल्स की, तो वहाँ पे पहले नंबर पे चल रहे थे द किंग बिग बॉस 15 के प्रतीक सेजपाल, और सेकंड नंबर पे चल रहे थे वहाँ पे तेजस्वी प्रकाश, और वहाँ पे करण कुंद्रा को उससे पहले ही यहाँ पे निकाल दिया था, ऐसे कि करण कुंद्रा वहाँ से बाहर हो चुके थे। इन दोनों में वहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला था द विनर ऑफ बिग बॉस 15 के बारे में। तो वहाँ पे जब भी अनाउंसमेंट होने वाला था तभी सभी लोगों को लगता था, इवन समीता शेट्टी, निशान भट्ट, सभी को लगता था कि वहाँ पे प्रतीक ही जीतेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इवन सलमान सन ने भी ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश को भी दे दी वहाँ पे, और जब भी सलमान सन ने वहाँ पे तेजस्वी प्रकाश को ट्रॉफी दी, वहाँ पे सभी लोगों को वहाँ पे शौक लग चुका था, क्योंकि सभी को लगता था कि प्रतीक जीतेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जीती तेजस्वी, तो सभी वहाँ पे शौक थे, तो तेजस्वी के फैन सभी खुश होंगे, सभी को अच्छा लग रहा होगा कि तेजस्वी जीत गई। पर यहाँ पे सब प्रतीक के फैंस, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, जो कि मैं भी हूँ प्रतीक का फैन, वहाँ पे सब मायूस होंगे। तो इवन आपको भी पता होगा कि प्रतीक काफ़ी डिजर्विंग था ट्रॉफी के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वहाँ पे जीता दिया तेजस्वी प्रकाश को। और यहाँ इस वाले डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी लोग भी बताना मेरे को कमेंट में जाके कि आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग है और होने वाला था बिग बॉस 15 की ट्रॉफी और कौन जीता है, तो कमेंट में जाके मेरे को ज़रूर बताना। तो अभी आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अभी यहाँ से मैं शायद ही व्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगा। अगर व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा तो इसमें ऐड कर दूँगा मैं, तो अभी देखते हैं। तब तक ये वाला वीडियो या व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही ये वाला व्लॉग को या वीडियो को आपके दोस्तों के साथ देखते रहो।